told what happened. जो कुछ बातें हुआ था वो बताया गया. Now the time came. अब एक वक्त आ गया. Eliezer was just waiting for the answer. और जवान के लिए Eliezer रुका था. From the family. परिवार से. From the girl. लड़की से. The family members said, "We will prepare the meal and we will go to the The servant of the Lord was not interested in eating chicken burger. He was interested to fulfill the commission. He said, "Wait a minute. Just have a meal and I want to just know. Because God has just brought me over. परमेश्वर ने इतना तक लाया. And the Bible says. बाइबल कहता है. Yes, I will read that much portion of this. And then they said, 24 chapter. 24 उत्पत्ति. Whatever it happened, he told. जो कुछ हुआ उसने बताया. The brother, mother's brother. परमेश्वर के ओर से है. नॉट फ्रॉम एनी मैन. और कोई मनुष्य से नहीं है. नॉट फ्रॉम एनी मैरिज गुरु. क्या मैरिज गुरु से नहीं है. बट दिस थिंग प्रोसीडेड फ्रॉम द लॉर्ड. ये बातें परमेश्वर के ओर से हुआ है. दैट इज द थिंग वी कैन नॉट स्पीक अनटू दी बैड और गुड. ये अच्छा और बड़ा बात अब नहीं बता सकते हैं. बिहोल्ड देख रिबेका इज बिफोर दी. रिबेका आपके सामने है. टेक हर एंड गो. तू इसको ले जा. एंड लेट हर बी थाय मास्टर सन्स वाइफ एज द लॉर्ड हैज स्पोकन. इस प्रकार से तेरे मालक का बेटा का पत्नी बन जा जैसे परमेश्वर ने बातें किया. And it came to pass that when Abraham's servant heard their word, he worshipped the Lord bowing before to the earth. और जब इस परमेश्वर का अब्राहम का सेवक ने ये बातें जब सुना और परमेश्वर का दंडवत किया. This servant was a man of prayer. और ये मनुष्य प्रार्थना का मनुष्य था. Whatever he was doing it with a prayer. और वे जो कुछ कर रहा था प्रार्थना के साथ कर रहा था. He was just kneeling down and thanking the Lord. जो कोई उत्तर था वो घुटने पे गया प्रभु को धन्यवाद दिया. Called the well. He also just knelt down and he. वो एक पास में गया वहाँ पर घुटने पे गया प्रार्थना किया. क्या आप देख सकते हैं every time हर वक्त में. And then he thanked the Lord. अब प्रभु को धन्यवाद दिया. 23 he had the servant brought forth jewels of silver and jewels of gold and raiment and gave them to Rebecca. और सेवक ने वो सोना चांदी है और वस्त्र को रेबेका को दे दिया. He gave also to her brother and to her mother precious things. उसका भाई और उसका माँ को ये बहुमूल्य वस्तु दिया. And they did it and drank and he and they and the men that were with him and tarried all night and they rose up in the morning and said, "Send me away unto my master." और वो खाया पिया और वो उनके उस रात में वहाँ पर रुका और सुबह उठकर उसने कहा अब मैं मेरे मालक की तरफ मुझे भेज दे. 55 and her brother and her mother said, "Let the damsel abide with us a few days, at least 10. After that she shall go." और उनके माता और उनके भाई ने कहा ये लड़की हमारा था कुछ कम थोड़े दिन या कम से कम 10 दिन रहने दे उसके बाद हमें भेज. Many times the family members will be the problem. बहुत बार परिवार के members के अंदर कोई समस्या हो जाती है. What will happen after the 10 days? 10 दिन के बाद में क्या होगा? She is with you from her birth. अब बचपन से यहाँ पर आपके साथ में है. How many years she is with you? कितने साल से है? Now can you want to keep her 10 days? क्या वापस 10 दिन रखना है? Doesn't make any sense. कुछ से उसका मतलब नहीं होता. Even can you see sometimes we use our carnal mind.
कई बार अपने मन को सोचते कार्य करते का दुल्हन जो कहलाने वाला ऊपर आयो ऊपर हम सोचते एक प्रभु एक साल तक नॉट दिस ईयर इस साल में नहीं आई विल बी रेडी मैं भी तैयार होगा बाद में नेक्स्ट ईयर यू कीप अगले साल बिकॉज़ आई वांट टू एंजॉय आई वांट टू जस्ट मूव विद माय फ्रेंड मेरे दोस्त मित्रों के साथ मिलना जुलना है थोड़ा बाद में आ जाओ बट वी हैव टू सी दैट यहां पर हम देखना है व्हाट हैपेंड उसने वहां पर क्या हुआ एंड दे सेड Let the damsel just stay with us for 10 days, at least few days. थोड़ा दिन तक या 10 दिन रुकना दे रुकावट आती है हमारे बीच में You understand, brothers? भाई बहनों आप समझ सकते हैं Most of the marriages have been broken because of the hindrances. ये रुकावट की वजह से बहुत सारी शादी टूट चुका है Many families are having a problem because of the hindrances. के अंदर समस्या है इस रुकावट की वजह से But he said that, oh, hinder me. Hinder me. लेकिन मुझे रुकावट मत लाओ Saying, the Lord hath prospered my way. परमेश्वर ने मेरे रास्ते को सफल किया Send me away. मुझे जल्दी से भेज That I may go to my master. ताकि मैं मालक की तरफ जाऊं 57 and they said, we will call the damsel and inquire at her mouth. अभी हम लड़की को पूछेंगे और उसको सलाह लेंगे उसके मुंह से We will find out what she said. हम ढूंढेंगे सुनेंगे वो क्या कहती है Many times we preacher we ask प्रचारक लड़का से लड़की से पूछता है Will you live with him? तो उसका सब कुछ Will you leave everything? सब कुछ छोड़ेगा She says yeah, हाँ No 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 With a mouth उसके मुंह से कबूल करना है Because in Indian custom, India ka custom mein, are you hungry, brother? Are you hungry? Kya would you like to eat? Kya bhuka hai? Actually, this South African they think that he's not hungry. South African sochte hai ki sach mein bhuka nahi ho. When you say like that, jab ye mundi hilayega, they say no. Nahi, woh sochte nahi. Haan, nahi maloom hai. So it is better to just speak. Aur kabul karna uttam baat hai. Amen. Amen. We will call the damsel and inquire at her. Hum ladki se puchega aur usko inquire karega. And they called Rebecca. Rebecca ko bulaya. And said unto her. Aur usse kaha. Will thou go with this man? Kya is manushya ke sath jayenge? Her destiny is depending upon yes or no. Uska manzil हाँ या नहीं के ऊपर निर्भर है और डेस्टिनी हमारा जो मंजिल ऑल द ब्लेसिंग्स आर वेटिंग फॉर जो कुछ आशीष आपके लिए रुका है वेटिंग रुका है ऑन द डिसीजन आपके निर्णय के ऊपर निर्भर यस और नो हाँ या नहीं सो दे आस्क और उसने विल थाउ गो विद दिस मैन क्या इस मनुष्य के साथ जाएगी एंड शी सेड और उसने कही आई विल गो मैं जाऊंगी इज इट अ फादर्स डिसीजन क्या पिता का निर्णय है ब्रदर ऑली डिसीजन ब्रदर ऑली का निर्णय है सिस्टर फातिमा डिसीजन सिस्टर फातिमा का निर्णय है ब्रदर डैनियल डिसीजन बट आई वांट टू आस्क मैं सवाल पूछना All of us. सब इससे. Will you go with this man? इस मनुष्य को तो जाएगा. Yes. Clap your hands for that. हाँ, ताली बजाओ. We are so happy. हम बहुत खुश हैं. God bless you. रब आप का आशीष करें. And this is the our word that I will go. ये उसका प्रभु आदर करेगा. And we have to pray for them. उनके लिए दुआ करना है. And I believe that if they want to just give some token or यदि उनको टोकन वगैरह एक्सचेंज करना है वी आर सो हैप्पी एट द टाइम ऑफ द मैरिज वी आर गोइंग टू डू दैट वन बट शादी का टाइम में हम लोग करने वाले हैं दिस इज द बाइबल ये बाइबल में है वी कैन जस्ट ब्लेस द रिंग और उस अंगूठी को हम आशीर्वाद आमेन एंड आई विल रिक्वेस्ट पास्टर टू जस्ट प्रे फॉर दिस
I ask of you, Lord God, that you would come down more and bless these two young people, that you might lead them and guide them in the way of the Lord. This token of appreciation, Lord, that we share one with the other, is a promise, Lord, not to blame one with another, Lord, is a promise that you made with me. You love it, Lord. Lord God, your word is great, dear Lord, as what God has put together to know man. This is a promise. Yes, put it why done? Yes, sir. Yes, sir. शादी का समान है या फिर क्या विश्वास करते हैं।